दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए हमें कितना पढ़ना होगा, यानी सरकारी शिक्षक बनने के लिए हम कितना पढ़ेंगे और कौन सी सरकारी नौकरी हमें मिलेगी। क्योंकि सरकारी शिक्षक जो है कि तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी टीचर, एक होता है टीजीटी टीचर और एक होता है पीजीटी टीचर। तो सरकारी नौकरी में जो सरकारी शिक्षक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो हमें कितना पढ़ना होगा कि हमें प्राइमरी टीचर बनेंगे, या फिर हम कितना पढ़ेंगे कि टीजीटी टीचर बनेंगे, या फिर हम कितना पढ़ेंगे कि पीजीटी टीचर बनेंगे। और पढ़ने के बाद में जो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उसका प्रोसेस क्या है, हमें किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाना पड़ेगा और हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो टोटल जानकारियां जो है कि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको कितना पढ़ना होगा, एक सरकारी शिक्षक जो बनेंगे आप तो वो तीन प्रकार के होते हैं, तो आप किस कैटेगरी में आ पाएंगे, या फिर आप जो है आपकी सैलरी क्या होगी। A to Z जानकारी में आपको वन बाय वन बताते रहूंगा। तो आप हमारे इस चैनल में बने रहेंगे, और चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बात आपको जान लेनी होगी कि सरकारी शिक्षक जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी टीचर और एक होता है आपका टीजीटी टीचर, ये कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, या फिर एक होता है आपका तीसरा नंबर में जो आता है पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये तीन प्रकार का होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा टीचर आप बनेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई ये सभी टीचर क्या होते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर किसे कहते हैं, तो प्राइमरी टीचर जो एक से लेकर के पांच क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी टीचर, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि हम प्राइमरी टीचर बनेंगे तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो मैं बता दूं कि सैलरी जो है आपको 35,000 से लेकर के आपको 45,600 के बीच में लगभग लगभग आपको मिलेगा सैलरी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कितना पढ़ना होगा, तो आपको कम से कम जो है 12th पास करनी होगी, और उसके बाद में 12th में जो है आपका कम से कम 50% अंक आना चाहिए। तो 12th पास करने के बाद में आप DLED कर लेंगे या फिर आप जो है BEd कर लेंगे। अगर आप DLED करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप BEd करते हैं तो BEd आपको 4 साल का BEd करना होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। क्योंकि BEd जो है 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है, लेकिन अगर आप 12th के बाद में डायरेक्ट अगर BEd करना चाहते हैं तो आपको 4 साल का जो है कि कोर्स करना होगा BEd का, अन्यथा आप DLED कर लेंगे, 12th पास कर लेंगे तो आपको जो है कि प्राइमरी टीचर बनने के आप काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है कि आपका प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, कितना पढ़ना होगा। उसके बाद में दूसरा नंबर में जो आता है आपका TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो आता है, तो उसमें आपको कितना पढ़ना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि TGT जो होता है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। और इसके लिए जो है कि ये जो 6th क्लास से लेकर के जो 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें हम कहते हैं TGT टीचर, यहां तक बात क्लियर है। और उसके बाद में इसको प्राप्त करने के लिए अगर आप TGT टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए जो है कि आपको 12th के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, और ग्रेजुएशन जो आप कंप्लीट करेंगे तो उसमें कम से कम आपका 50% अंक आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में ग्रेजुएशन जो है कि मुकम्मल करने के बाद में आपको BEd कर लेनी है, जो कि आपको 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप 12th के बाद में BEd करना चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में अगर BEd करना चाहते हैं तो 2 साल का। और इसमें सैलरी कितनी होती है, तो अगर मैं TGT टीचर की सैलरी की बात करूं तो इसमें 44,000 से लेकर के 56,000 के बीच में लगभग लगभग जो है कि आपको सैलरी मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। तो मैंने बात कर लिया प्राइमरी टीचर की, मैंने बात कर लिया TGT टीचर की, अब मैं तीसरी नंबर में जो आता है आपका PGT टीचर, उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए, तो PGT टीचर किसे कहते हैं, तो PGT टीचर जो 11th से 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी 11th और 12th के बच्चों को जो पढ़ाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं PGT टीचर। और ये PGT टीचर जो है कि का जॉब लेने के लिए आपको कितना पढ़ना होगा, तो आपको 12th के बाद में ग्रेजुएशन मुकम्मल करनी है, और ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद में आपको जो है कि PG करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, PG करना होगा। और PG जो है करने के बाद में आपको BEd का भी कोर्स करनी है, जो कि आपको 1 ईयर का जो है कि 1 साल का जो है कि आपको कोर्स करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो 2 साल का भी BEd कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, आप 1 साल का भी BEd करेंगे तो चलेगा। तो अब इसे बात कर लेते हैं कि PGT टीचर की सैलरी कितनी होती है, तो मैं बता दूं कि 47,000 से लेकर के 59,000 के बीच में जो है कि एक PGT टीचर की सैलरी होती है, जो कि लगभग लगभग मैं बता रहा हूं, ठीक है।
उसके बाद में मैंने बता दिया प्राइमरी टीचर की, मैंने अभी बात किया टीजीटी टीचर की, और मैंने अभी बात किया पीजीटी टीचर की। तो इसकी जो मैं बात किया, तो अब इसमें मैं आपको सैलरी भी बताया, कितना पढ़ना होगा वो भी बताया, और किस क्लास से लेकर किस क्लास तक आप पढ़ा पाएंगे वो भी मैंने बात कर लिया। आ गया समझ में आपको? अब मैं बात कर लेता हूँ पढ़ने के बाद में, जैसे आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, आपने जो है कि बीएड भी कर लिया, या फिर आप जो है कि डीएलएड भी कर लिया, तो उसके बाद में आपको कौन सा एग्जाम आपको पास करना होगा, जबकि आपको सरकारी सैलरी सरकारी जो है कि जॉब मिलेगी। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये सभी मुकम्मल होने के बाद में आपको टेट का एग्जाम पास करना होता है। टेट किसे कहते हैं? तो यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है। तो टेट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सीटेट और एक होता है एसटेट। सीटेट होता है जो कि आप ऑल इंडिया भर के लिए जो कि वो योग्यता माना जाता है, और एसटेट जो होता है वो आपका स्टेट लेवल का, यानी जिस स्टेट से आप जो है कि एसटेट करेंगे उसी स्टेट भर के लिए जो है कि वो सर्टिफिकेट मान्यता होता है। तो सीटेट जो है कि वो पूरा यानी सेंट्रल जो है कि टेस्ट एलिजिबिलिटी टीचर होता है, और एक होता है एसटेट जो कि आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है वो स्टेट लेवल का रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम क्लियर करने के बाद में चाहे आप स्टेट करें या फिर आप सीटेट करें, दोनों में से कोई आप एग्जाम पास करना होगा। एग्जाम पास करने के बाद में आपको एग्जाम देना है, और एक एग्जाम आपको देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद में जहां भी आपका वैकेंसी आएगी वहां पर आप अप्लाई करेंगे, तो आपको फौरन जो है कि सरकारी जॉब सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और आप एक अच्छे शिक्षक की तरह काम कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि डीएलएड बेस्ट है या फिर बीएड बेस्ट है, तो मैं आपको राय दूंगा कि देखिए डीएलएड से बेस्ट जो है कि आपको बीएड ही है, आप बीएड ही करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा भविष्य के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको हर चीज समझ में आ गया है कि टीचर कितना प्रकार का होता है, और उन वो से भी टीचर्स जो होते हैं बनने के लिए हमें कितना पढ़ना होगा, कितने सैलरी मिलेगी शिक्षक बनने के लिए, और शिक्षक बनने का तरीका क्या है, हर चीज मैंने बता दिया। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा भी फायदा पहुंचा है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।